हेलो। हाँ तो फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज। मेमोरीज कितने टाइप की होती हैं, रैम, रोम, एसएसडी, एचडीडी, ये सब क्या होता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इनके बारे में कुछ नॉलेज आ जाती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सब आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्वागत है आप सबका आपका अपने खुद के चैनल टैग वाले हिमांशु पर एक बार फिर से। तो अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और जुड़ जाइए हमारी फैमिली में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इन चारों बार मैं आपको बताना हूँ इस वीडियो के अंदर, रैम क्या होता है, रोम क्या होती है, एचडीडी क्या होता है और एसएसडी क्या होता है, ये चारों मैं आपको बताना हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं रोम के बारे में कि रोम क्या होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि मोबाइल में इतनी रोम है, इस कंप्यूटर की इतनी रोम है, इस लैपटॉप की इतनी रोम है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रोम की। तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है रोम, जो हमारे मोबाइल के सर्किट में लगा होता है, कंप्यूटर के सर्किट में लगा होता है, लैपटॉप के सर्किट में लगा होता है ये रोम। तो रोम का ये काम होता है फ्रेंड्स, रोम एक स्टोरेज है, एक मेमोरी है जिसमें आप अपना डाटा रख सकते हैं, मोबाइल का, लैपटॉप का, किसी भी चीज़ का डाटा स्टोर कर सकते हैं रोम में। रोम में आप किसी भी चीज़ का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरह का आप इसे स्टोरेज समझ सकते हैं, मेमोरी, बस यहाँ पर आपका डाटा स्टोर होगा, बट यहाँ आपका डाटा कुछ चलता नहीं है, ओनली स्टोर होता है बस। इसके अलावा आप रन नहीं कर सकते डाटा को रोम में। तो एक आपकी मेमोरी होती है रोम, जहाँ पर आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं ओनली, बट आप वहाँ पर अपने डाटा को रन नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका रोम, जो मोबाइलों में दी जाती है। इसमें आप बहुत सारा डाटा सेव कर सकते हैं, इसलिए मोबाइल की रोम ज़्यादा होती है रैम से, हमेशा ज़्यादा होती है स्टोरेज मोबाइल की रोम रैम से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर जाता है मोबाइल का, कंप्यूटर का और लैपटॉप का। तो स्टोरेज हमेशा रैम से ज़्यादा होती है, रोम हमेशा ज़्यादा रैम से ज़्यादा होता है, क्योंकि आप आपका डाटा स्टोर किया जाता है। तो ये था आपका रोम, इसको और आगे मैं अच्छा करके समझा दूंगा फ्रेंड्स। तो आगे मैं बताता हूँ आपको रैम के बारे में, रैम क्या होता है। रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपका डाटा यूज़ होता है। मतलब मान लीजिए आपके डाटा, आपके रोम में एक वीडियो पड़ी है, तो अगर आपको उसे चलाना है तो वो आपकी पहले रोम में से उठ के रैम में आएगी वीडियो, फिर वो आपकी चलेगी। आपको एक टास्क करते हैं किसी मोबाइल पे या किसी लैपटॉप पे, तो वो आपका जो टास्क होता है वो आपका रोम में सेव होता है, बट वो पहले आपका रोम से रैम में आएगा, फिर वो डाटा आपका यूज़ होगा। इसे कहते हैं रैम, जहाँ पर आपका रोम का डाटा यूज़ होता है और प्ले होता है। मतलब आप मान लीजिए कोई गेम खेलते हैं तो वो आपके रोम में सेव होगा गेम, बट वो पहले रोम में से रैम में आएगा, फिर ही आप उसे खेल पाएंगे। जब ही आप उस गेम को खेल पाएंगे, दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये होता है रैम कि आपका पहले रोम का डाटा उठ के रैम में आएगा, फिर वो यूज़ होगा, फिर वो आपको दिखेगा। आपने बहुत सारे मान लीजिए बहुत सारे आपका वीडियो है वो देखते हैं आप, तो वो आपकी सेव तो रोम में होती है, बट चलती हैं तो वो आपकी रैम में कन्वर्ट हो जाती हैं, रैम पर आ जाती हैं वापस। वो रैम से जब आप डेक हटा देते हैं तो वापस अपने रोम में चली जाती हैं दोबारा। तो ये होता है रैम और रोम का काम। रैम आपकी कम होती है रोम के मुकाबले, अगर आपकी रैम थोड़ी ज़्यादा होती है तो आप उनमें एक बार में बहुत सारे काम कर सकते हैं, टास्क बहुत सारे कर सकते हैं एक ही बार में रैम में। बट कुछ कुछ मोबाइलों की रैम कम होती है, जिसके कारण हमें एक या दो ही टास्क कर सकते हैं एक समय पर, बट कुछ कुछ मोबाइल की रैम ज़्यादा होती है, जहाँ पर हम बहुत सारे टास्क एक बार में कर सकते हैं। तो रैम ज़्यादा होने का ये प्रॉफिट होता है कि हम उन्हें बहुत सारे टास्क कर सकते हैं एक बार में। तो ये थे आपका रैम और रोम सिंपल भाषा में, कि रैम का क्या काम होता है और रोम का क्या काम होता है। रोम आपके ऐसे स्टोरेज जहाँ पर आप डाटा सेव कर सकते हैं, और रैम आपका ऐसा स्टोरेज है जहाँ पर आप डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो रैम आपकी हमेशा कम होती है रोम के मुकाबले। तो ये आपकी डिटेल थी रैम और रोम के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एचडीडी और एसएसडी के बारे में, कि एचडीडी और एसएसडी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एचडीडी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी की फुल फॉर्म होती है। ये आपको कंप्यूटर में और आपके लैपटॉप में लगा हुआ दिख जाता है फ्रेंड्स, एचडीडी और एसडीडी। तो बताता हूँ आपको एचडीडी क्या होता है। एचडीडी एक आपका स्टोरेज, एक मेमोरी होती है मैकेनिकल, इसमें कुछ मैकेनिज्म लगा होता है फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा डिब्बा सा होता है, उसमें मैकेनिज्म होता है बहुत बड़ा सा, उसके अंदर आपकी एक डिस्क होती है जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। तो एक मैकेनिज्म होता है ये बड़ा सा, जिसके अंदर आपका डाटा सारा सेव होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बीच में आपकी डिस्क है, इसमें आपका डाटा सारा स्टोर होता है। और इसे चलाते हैं तो आप कंप्यूटर में, तो ये डाटा आपको सारा दिखा देता है, क्या क्या डाटा है इसमें। आप बहुत सारा डाटा सेव कर सकते हैं, बहुत बहुत आपके अलग अलग स्टोरेज के ये आते हैं एसएसडी, 1 TB, 2 TB, 3 TB, बहुत बहुत स्टोरेज के आपके एसएसडी आते हैं। तो इसमें एक मैकेनिज्म होता है बहुत बड़ा सा, तो ये बहुत जगह घेरता है आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में।
इसमें मैकेनिज्म होता है आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैकेनिज्म है इसका पूरा, इस पर एक पिन होती है जो इसकी डिस्क पर चलती है और आपको सारा डाटा दिखाती है कि आपको डाटा में क्या क्या है। बट ये जो है बहुत सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है ये, बट इसे यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके हाथ से अगर गिर जाता है ये, तो इसका अगर एक भी मैकेनिज्म हिल जाता है तो ये पूरा बेकार होता है एक तरह से, दोबारा सही कराना पड़ता है या न्यू लाना पड़ता है। और वो जैसे आपके डिस्क के बीच में लगी हुई है ये घूमती है, तब आपको डाटा सारा दिखता है कि आपके मोबाइल में क्या क्या डाटा है, आपके लैपटॉप में क्या क्या डाटा है। मान लीजिए आपका थोड़ी सी डिस्क क्रैक हो गई हल्की से गिरने से, बिल्कुल थोड़ी सी क्रैक हो गई, तो आपका सारा डाटा उड़ जाएगा, ना आप वापस ला सकते हैं उस डाटा को, ना कुछ कर सकते हैं, सारा डाटा आपका फिनिश हो जाएगा, सारा डाटा आपका ख़त्म हो जाएगा, नहीं आप उसे रिकवर कर सकते हैं ऐसे, ना कुछ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लो पॉइंट है SSD का, बट ये बहुत सस्ता होता है, सस्ता होता है ये SSD के मुकाबले, SSD मुकाबले सस्ता होता है ये। और ये मैकेनिज्म, इसके अंदर मैकेनिज्म होने के कारण जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ही SSD गर्म हो जाता है मैकेनिज्म होने के कारण इसके अंदर। और ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेता है क्योंकि इसके अंदर मैकेनिज्म लगा होता है, मैकेनिज्म लगे होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है। या मान लीजिए आप SSD आपके लैपटॉप में है तो ये आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा SSD के मुकाबले। तो ये था इसके मेन पॉइंट। और इसकी जो बट ये जो है सस्ता होता है SSD के मुकाबले, और इसमें आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है कम पैसों में, बट SSD में ऐसा नहीं है, उसके बारे में आपको बताऊँगा आगे मैं। बट ये है, इसका यही कारण है कि अगर आपका हाथ से एक बार गिर जाता है तो इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा परसेंट होते हैं कि ख़राब हो जाएगा अगर आपका हाथ से गिर जाता है एक बार। तो ये आपको मैंने बताया SSD के बारे में कि SSD क्या होता है, आपको मैंने दिखा भी दिया है SSD ऐसा होता है। आते हैं अगले पॉइंट पे जो होने वाला है हमारा SSD। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके बारे में बताता हूँ आपको कैसा होता है, क्या काम होता है इसका। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, ऐसा आपको दिखने में होता है SSD। तो SSD एक स्टोरेज टाइप है, मेमोरी टाइप है आपका है, जो आपका लैपटॉप में और कंप्यूटर में लगता है। तो फ्रेंड्स इसका जो काम है, इसका भी काम आपका SSD की तरह ही है, इसमें भी डाटा सेव होता है, बट इनमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, इसमें आपका कोई भी मैकेनिज्म लगा हुआ नहीं होता है। इनमें आपके इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चिप लगी होती हैं जिनके अंदर आपका डाटा सेव होता है। इस बॉक्स के अंदर आपकी बहुत सारी चिप लगी होती हैं जिसके अंदर आपका डाटा सेव होता है, इसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। तो अगर आपका हाथ से गिर जाता है ये, तो इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम परसेंटेज होते हैं कि ये ख़राब हो जाए, अदरवाइज़ ये बहुत देर तक चलता है, बहुत समय तक आपका चलता रहेगा, बहुत समय तक आपका सही रहता है। और मैकेनिज्म ना होने के कारण अगर मान लीजिए आप इसे यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद निकालते हैं इसे आप 1-2 साल बाद भी, तो आपका ये बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। बट यहीं आपका SSD जो है, मान लीजिए आपका जिसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद ही 5-6 महीने के अंदर ही उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इसके कारण वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। बट ये नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि कोई मैकेनिज्म होता है इसलिए ख़राब भी नहीं होता जल्दी SSD। बस ये थोड़ा SSD के मुकाबले महंगा होता है, SSD के मुकाबले महंगा होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं, चिप लगी होती हैं, जिसके कारण इसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो थोड़ा आपका महंगा होता है। और यहीं आपका ये कम स्टोरेज मिलती है ज़्यादा पैसों में, बहुत ज़्यादा पैसों में कम स्टोरेज मिलती है इसमें, और SSD में कम पैसों में ज़्यादा स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। बट ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज़ करता है क्योंकि अंदर इसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं लगा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करता है ये। और आप देखेंगे अगर SSD आप यूज़ करते होंगे तो उसके अंदर आवाज़ आती है SSD के अंदर, क्योंकि डिस्क घूमती है जिसके कारण इसका आवाज़ आती है SSD के अंदर। SSD के अंदर ऐसे कोई आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलती है क्योंकि इसके अंदर मैकेनिज्म नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर से आपको आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। तो सिंपली आपका साइलेंटली काम करता है SSD, बट SSD में आपको आवाज़ सुनाई देती है मैकेनिज्म की। तो ये मैंने बताया आपको कुछ पॉइंट SSD के और HSD के। अब जो मैंने आपको बता ही दिया है, HSD आपका बड़ा होता है SSD के मुकाबले, ये ज़्यादा जगह घेरता है, और आपको मोबाइल अगर कंप्यूटर में टैबलेट में आपका लगा हुआ है तो ज़्यादा वजन बढ़ जाता है इससे HSD के कारण, बट SSD के कारण नहीं बढ़ता क्योंकि SSD बहुत हल्का होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है क्यों कारण है ऐसा, क्योंकि HSD में आपका मैकेनिज्म लगा होता है बट SSD में आपका मैकेनिज्म नहीं होता है। और यहीं आपको बस HSD आपको थोड़ा सस्ता देखने को मिलता है SSD के मुकाबले, क्योंकि HSD में ज़्यादा चिप नहीं लगी होती हैं, उसके अंदर बस एक ओनली डिस्क लगी होती है, बट SSD में आपकी बहुत सारी चिप लगी होती है जिसके कारण इसका रेट बढ़ जाता है, तो बहुत महंगा आता है ये। बट आपका HSD अगर गिर जाता है तो वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसके, बट यहाँ पर अगर SSD गिर जाता है तो आपको उसको ख़राब होने के चांस बहुत कम होते हैं, इतने जल्दी वो ख़राब नहीं होता है देखने में। तो ये आपको कुछ पॉइंट थे SSD के और HSD के। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह बढ़िया काम करते हैं, कोई बेकार काम नहीं करते, दोनों अपनी जगह बढ़िया हैं। तो अगर आप लगवा ही रहे हैं तो आप दोनों लगवा सकते हैं SSD भी और HSD भी। अगर आपको कोई
जल्दी टास्क करना है, जैसे कुछ आप जल्दी के काम करते हैं लैपटॉप से, जैसे एडिटिंग करनी है और आपको कुछ हाईटेक काम करना है, गेमिंग करनी है, तो उसके लिए आपके SSD बहुत यूज़फुल होती है। बट यहाँ आपको अगर मान लें वीडियो देखनी है, सॉन्ग प्ले करने हैं या कोई फाइल है जिसे आप कभी कभी खोलते हैं, तो उसके लिए SSD सही है। आप उसमें उसे स्टोर करके रख सकते हैं, आपको जब कभी खोलनी हो तो आप खोल के उसे देख सकते हैं। अगर आपकी वो थोड़ी हल्की भी चलती है तो उसको आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप उसे SSD में रख सकते हैं। बट आपको कोई फास्ट फाइल्स हैं, आपकी कोई ऐप है, कोई गेम है, तो आप उसे SSD में रख सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपको मैं इसके रेट दिखाता हूँ SSD के और HDD के, देख सकते हैं आप। ये HDD है, ये 1 TB HDD कितना सस्ता है ये देख सकते हैं आप। 1 TB का HDD ओनली 3199 रुपये का है, अप्रॉक्सीमेटली आपको 3200 रुपये का पड़ेगा 1 TB का HDD, जिनमें मैकेनिज्म लगा होता है आपका। बट यहाँ पर अगर SSD लेते हैं तो आपका तो वो बहुत महंगा पड़ता है, आपको देख सकते हैं आप कितना महंगा पड़ेगा। लगभग आपको पड़ेगा 6899, लगभग 6900 रुपये का आपको 1 TB का SSD पड़ेगा, ओनली 1 TB। तो आप देख सकते हैं कितना महंगा है, दुगने से भी ज़्यादा रेट का आपको SSD पड़ता है HDD के। तो SSD आपको कम से कम डबल रेट पड़ता है आपको HDD के मुकाबले। तो अगर आपको कोई जल्दी के टास्क नहीं करने हैं तो आप HDD ले सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है HDD में भी। SSD और बढ़िया है, बट HDD कोई बेकार नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है पर अब भी काम करती है बहुत बढ़िया। और ये SSD जो है आपकी न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल अभी आई है कुछ समय पहले SSD टेक्नोलॉजी, बट HDD आपकी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी आपकी है HDD की। तो ये चारों मैंने आपको बता दिए, सारे चारों की चारों आपको मेमोरीज टाइप बता दी हैं मैंने, रैम, रोम, SSD, HDD, कि किनका क्या काम होता है, किसका क्या काम होता है, किसका क्या काम होता है। और अब आपको वीडियो थोड़ी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।